एक किचन है और एक वॉशरूम मेरे रूम में है, मैं आपको दिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। ये केल्विन ने स्टार्ट कर दी गैस की फिटिंग करना, इतनी तो शक्ल घर की निकल आई है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। चाय मंगवाइए सोनिया से क्योंकि हमारे घर गैस ही नहीं आ रहा। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम सभी ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। सो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है मैं हैदराबाद आई हुई हूँ रहने के लिए। सो फाइनली आज मैं वापस जा रही हूँ कराची अपने घर। सो केल्विन आए थे मुझे लेने के लिए, कल था मेरा बर्थडे, आप लोगों ने बर्थडे व्लॉग देखा होगा। हमने वहाँ पर बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। बस थोड़ा सा मुझे फीवर हो गया था कल, लेकिन अब मैं ठीक हूँ खुदा का शुक्र है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, गाड़ी भी आ गई है और मेरा थोड़ा बहुत सामान था जो मैंने हैदराबाद से लेके जाना है, तो वो सामान भी गाड़ी में रखवा दिया है। लॉयड और केल्विन ऑलरेडी नीचे ही हैं सामान के साथ और मैं मामा जैन ऊपर है, बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, कराची पहुंच के भी मैं कंटिन्यू करूंगी, आपको अपना घर दिखाऊंगी। हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है तो वो घर भी मैंने आपको नहीं दिखाया, वहाँ जाके भी अभी सेटिंग करनी है, बहुत काम बाकी है, तो वो घर भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं। कराची के लिए और आप देख सकते हो कि पीछे कितना सारा सामान है और दिल इतना अजीब सा हो रहा है वापस जाते वक्त, ना बहुत ही उदास हो रहा है दिल, लेकिन जाना तो है घर वापस। तो आप देखें कितना सारा सामान है और अभी ये सारा सामान जो है फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है क्योंकि हमारा जो घर है वो है फर्स्ट फ्लोर पे। Hi guys. बारिश स्टार्ट हो गई है हाईवे पे बहुत तेज, वेदर बहुत ही क्लाउडी है और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है और बारिश स्टार्ट हो गई है। साथ है सोनिया, सोनिया ने रिसीव किया है घर की चाबी इसके पास थी। हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है तो मैं भी आज ही देखूंगी घर, मैं हैदराबाद में थी तो हमारी शिफ्टिंग हो गई थी तो हमने घर शिफ्ट किया है। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने घर और ये देखें सारा सामान। अभी ये सब कुछ सेट करना है, अभी 7:30 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, बिल्कुल हिम्मत नहीं है अभी ये सब कुछ सेट करने का, तो कल सुबह ही हम लोग ये सारी चीज़ें सेट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी सही से प्रॉपर। तो मैंने भी आज ही देखा है, जब मैं हैदराबाद में थी तो केल्विन ने शिफ्टिंग कर ली थी तो मैंने भी आज ही देखा है, तो अच्छा घर है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, इस व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी, कल हम लोग सारी सफाइयां करेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, थकावट बहुत हो गई और मुझे फीवर भी हो गया है, तो अभी तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है और गैस भी नहीं है, तो हम बाजार से चाय लेकर आएंगे, चाय पियेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और मेरे साथ सोनिया है, तो अभी सोनिया और इसका भाई है सैमी, उसने जो है केल्विन के साथ ये सारा सामान रखवाया है और घर की चाबियाँ इसी के पास थी। तो कैसा लगा घर सोनिया? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा घर है यार, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बिखरा हुआ है सारा सामान। हाँ, जब सेट होगा तो बिल्कुल जो है ना अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा। तो किचन भी बहुत अच्छा है, टू रूम्स हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी पर सुबह दिखाऊंगी, अभी तो नहीं, अभी बहुत ज्यादा थक गए, अभी हम चाय पियेंगे और गैस भी नहीं है, गैस तो है पर अभी लगवाई नहीं है, अटैच नहीं है। हाँ, और अभी तो खाना भी हम बाजार से ही खाएंगे। अच्छा है घर, अच्छा है। एक रूम ये है, एक रूम ये है और ये एक कॉमन बाथ है, ये किचन है और एक वॉशरूम मेरे रूम में है, मैं आपको दिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता करके। ये केल्विन ने स्टार्ट कर दी गैस की फिटिंग करना, ये कह रहे हैं सुबह तक इंतज़ार नहीं होगा, मैं अभी कर रहा हूँ। स्वेटिंग इतनी हो रही है आपको, थक गए हो ना आप? ज़ाहिर है इतना सामान आप ऊपर लेकर आए हो, आप और सैमी दोनों। पक्का आती है ना आपको? मुझे डर लगता है बहुत गैस से।
हाँ अंदर से होगा ना। चाय बन सकती है क्या अभी या बाजार से आनी पड़ेगी चाय? तो सुबह करवाऊंगा यार। सुबह करोगे? मुश्किल लग रहा है ना, थोड़ा समझ नहीं आ रही सेटिंग। चलो कोई नहीं, सुबह करवा लेना, आ जाओ। इतनी क्या जल्दी है, अभी बाजार से लेते ना कुछ खाना वाना। ये लेकर आ गए खाना, लाओ मैं जल्दी से ही पहले ये ना थोड़ा सा खंगाल देती हूँ। ये पकड़ो आप, मैं कर लेती हूँ, आप छोड़ो। नहीं नहीं फिर अलग अलग लाओ तो फिर मिक्स हो जाएगी ना। पानी वाले कोई बोल दिया कल आ जाएगा। अच्छा अभी हम बेड पे ही खा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है बिल्कुल भी। सोनिया ये बच्चों वाले स्पून हैं जिससे आपको खाना है। क्या कर रहे हो? अपने घर में फर्स्ट टाइम खाना खा रही हूँ। ले आए चाय और पानी? चाय कितने लाया? 2 कप लाया ना गाइस। ये चाय लेने गए थे, चाय लेके आ गए जी गाइस। तो आज है 3rd डे। 2 दिन मैंने बीच में व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। लास्ट क्लिप में आपने देखा कि मैं और केल्विन चाय पी रहे हैं, सोनी और सैमी चले गए थे, बहुत लेट हो गया था। उसके बाद हम दोनों ने चाय बनाई, मंगवाई बाजार से और चाय पी, फिर हम सो गए। सो 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे क्योंकि केल्विन की जॉब थी, वो जॉब पे जा रहे थे, फिर जॉब से आके पूरा घर देखना और सारी सफाइयाँ ये वो सब कुछ। तो इसलिए 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तबीयत भी थोड़ी लो थी तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो 2 दिन बाद ये 3rd डे है, इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब घर थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था, शिफ्टिंग तो हो गई थी। उसके बाद केल्विन डायरेक्ट मुझे हैदराबाद लेने आ गए थे तो घर सेट नहीं किया था, पीछे कुछ भी नहीं किया था, यहाँ तक कि गैस भी नहीं लगी थी। गैस तो थी पर पाइप्स वगैरह जो फिटिंग होते हैं वो नहीं लगे थे। फैन भी अभी सिटिंग रूम का नहीं लगा है, बहुत सारा काम था। तो अभी आगे भी बहुत सारा काम है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने सेट करना स्टार्ट की है। अभी थोड़ा सा बेडरूम सेट किया है, किचन थोड़ा सेट किया है अभी, और बहुत ज़्यादा सामान है जो हमने जगह पे सही से रखना है। तो मैंने कहा चलें इतनी तो शक्ल घर की निकल आई है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। सो ये बेडरूम है मेरा और मैंने इस पे जो ये बेडशीट है बिछाई है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी बेडशीट। ये सिंधी काम हुआ हुआ है, सारा हैंडवर्क है और ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मामा और मुझे जो है वो सिंधी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, खासतौर पर हैंडवर्क। तो ये मामा ने मुझे जहेज में बेडशीट दी थी तो ये मैंने अभी बिछाई है और घर थोड़ा थोड़ा सा सही लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ जी गाइस। तो ये है छोटा सा बेडरूम, यहाँ पे बेड रखा है, ये कबर्ड्स हैं और ये मेरा वॉशरूम है, ये ड्रेसिंग है और ये साइड टेबल्स जो है आ नहीं रहे थे तो मैंने एक वहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया। अभी इस कमरे में टीवी भी आना है तो मैं सोची हूँ यहाँ पे टीवी लगाऊंगी और ड्रेसिंग टेबल को मैं उधर कर दूंगी। अभी देखते हैं क्या सेटअप होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला पेंडिंग में रहती है। ये मैं एप्पल खा रही थी क्योंकि अभी घर पर मैं अकेली हूँ, केल्विन नहीं है, वो बाहर गए हैं काम से। और बस इस तरीके से अभी मैंने ये थोड़ा सा सेट किया है अपना बेडरूम और ये ऊपर मैंने सूटकेस रख दिया। हालांकि कबर्ड के ऊपर मुझे सूटकेस या कोई भी चीज़ इतनी बुरी लगती है लेकिन यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कोई भी स्पेस नहीं है, स्टोर रूम भी नहीं है इस घर में, तो इसलिए फिर मुझे मजबूरन ऊपर रखना पड़ा। और बाकी जो मेरा एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने सारा बेड के नीचे रखा है क्योंकि बेड के नीचे काफ़ी स्टोरेज है, तो काफ़ी सामान मैंने यहाँ पर रखा है। और बाकी रूम्स जो हैं उसकी हालत इतनी ख़राब हो रही है कि वो दिखाने के अभी बिल्कुल लाइक नहीं है। सिटिंग रूम है, उसमें बहुत सारा सामान है, वो थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ, फिर सिटिंग रूम भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी इस कमरे में लाइट थोड़ी कम है, एक यही लाइट है बस, तो मैं सोच रही हूँ लाइट्स लगवा लूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी सी रोशनी कम आ रही है। एक ये होल्डर है तो यहाँ पर भी मैं लगवा सकती हूँ और एक ये होल्डर है यहाँ पर भी मैं लगवा सकती हूँ, तो सोच रही हूँ लाइट्स वगैरह लगाऊँ थोड़ा सा ताकि कमरा ब्राइट हो जाए। और केल्विन आ गए हैं और हम लोग बना रहे थे अंडा। गैस नहीं आ रही ना? गैस चली गई, गैस चली गई है गाइस, यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी गाइस। तो गैस ही नहीं आ रहा है, कराची में गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, सुना ही था मैंने। अब मैं खुद रहने आई हूँ तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हैदराबाद में भी है पर इतना नहीं है, और गैस का तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, कराची में बहुत है। गैस जो है उसका कुछ पता ही नहीं चलता, ऑन एंड ऑफ। तो अभी आ रही थी थोड़ी देर पहले तो हमने चाय पी और अब गैस नहीं आ रही है, तो भूख इतनी लग रही है पर अभी हमने खाना बनाया नहीं है। तो फ्रिज में जो है चने की दाल बनाई थी कल मैंने, वो रखी हुई, लग रहा है अब उसी से गुजारा करना पड़ेगा। चने की दाल और कबाब पड़े हैं अचार वचार, वरना मेरा दिल कर रहा था आज मैं कलेजी बना के खाऊं। केल्विन अपने लिए अंडा बना रहे थे, आधे अंडे में ही जो है गैस चली गई है, तो अभी देखते हैं क्या करना है। और देखें कौन आया चाय लेके। चाय मंगवाइए सोनिया से क्योंकि हमारे घर गैस ही नहीं आ रहा। ले आइए किचन में ले जा, कप ऊपर पड़े हैं वहाँ शेल्फ पे फर्स्ट वाली पे। तो ये सोनिया लेकर आई है चाय क्योंकि हमारे घर गैस हो गई ख़त्म और इनके घर है सिलेंडर। पकड़ा, पास करा। गैस आ रही थी गैस, तो हमारी क्यों नहीं आ रही यार? चेक कर रहे थे। और ये मैं कुछ यूट्यूब का काम कर रही हूँ, हमारी नहीं आ रही यार गैस। मैंने तो गैस भी
जी तो मिल गई आपको चाय, अब आप खुश हैं? मिस्टर केल्विन मिल गई आपको चाय, अब आप खुश हैं? देखो सोनिया ने धोखा नहीं दिया, वो आ गई है चाय देने। चलो ओके बाय बाय। जी गाइस तो सोनिया चली गई है और थैंक्स टू सोनिया हमने चाय पी ली। इनको चाय की बहुत तलब हो रही थी क्योंकि जब से काम से आए थे तो ये चाय कर रहे थे और जब चाय हमने रखी तो गैस चली गई। तो अभी आप खुश हो, आपने चाय पी ली? मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ चाय के नाम पे। तो बेचारी आके 12 बजे चाय दे के गई है, हालांकि उसको अपना भी इतना काम था। एक्चुअली उसका घर जो है वो 2 गलियां छोड़कर ही है, इसलिए वो आराम से आ गई अपने भाई के साथ और चाय दे के चली गई है। अभी हमने पी ली है चाय और अभी हम लोग बस सोने लगे हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि हम हैदराबाद से आ गए हैं, हमने अपना घर सेट कर लिया है और बस अभी एक ही रूम मैंने आपको दिखाया है। आगे व्लॉग में मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी जब हम अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि सिटिंग रूम में ऊपर फैन नहीं लगा और यहाँ पे मैंने अपने रूम में टीवी लगाना है जो लियोन के घर पे पड़ा है। टीवी वो अभी तक हमने वहाँ से उठाया ही नहीं है, तो लियोन के घर पे ही टीवी रखा है। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट सैटरडे तक है ना टीवी और फैन लगा लेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी जो भी आहिस्ते आहिस्ते मैं अपने घर की सेटिंग करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी घर हमारा बहुत अच्छा है खुदा का शुक्र। और बस आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा, मैं इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप लोग के लिए लेकर आऊंगी है ना। इनकी कुकिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। कल आप मुझे कलेजी बना के खिला रहे हो राइट? अगर बनाएंगे तो मैं रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है ना? चलें ठीक है। सो गाइस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करती हूँ एंड। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को, मामा लोग को, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।